पाक प्रोडक्शन प्लस के मौजूद सामेईन अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वाक़या बताएंगे। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पाक प्रोडक्शन प्लस को सब्सक्राइब कर दें। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जनूबी पंजाब का एक खूबसूरत शहर कोट मिठन शरीफ। कोट मिठन शरीफ की गली में एक बुज़ुर्ग खड़े रहते थे, बाल उलझे हुए, शिकस्ता लिबास और हुलिया वही जो एक मजसूब का होता है। वो हर आने जाने वाले से एक सवाल पूछते। वो सवाल क्या था? ईद कदा। कुछ लोग उनकी बात को सुनी अनसुनी कर देते, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते कि अभी तो ईद गुजरी है। ये फिर पूछ रहे हैं कि ईद कदा। ये सवाल वो हर आने जाने वाले से करते। एक दिन इत्तफाक से हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह कोट मिठन शरीफ वाले वहाँ से गुजरे। मजसूब ने यही सवाल हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ईद कदा। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और करीब आकर फरमाया, यार मिले जदा। ये सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए, आंखें चमकने लगे। उसने फिर एक सवाल किया कि यार मिले कदा। ख्वाजा साहब ने बरजस्ता जवाब दिया कि मैं मरे जदा। तो फकीर ने फिर पूछा कि मैं मरे कदा। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और फरमाया कि यार तके जदा, यानी कि जब यार की दीद होती है तो ये मैं भी मर जाती है। जिसकी मैं अभी तक नहीं मरी, इसका मतलब है कि वो इस लज्जत से अभी तक ना आशना है। वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीद दो दफ़ा होती है, एक जब मैं मरती है और दूसरा जब बंदा मरता है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पाक प्रोडक्शन प्लस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।